पे आपका फिर से स्वागत है। अच्छी मैच चल रही है, दोनों टीम पूरी पूरी कोशिश में लगी है कि इस मैच को अपने कंट्रोल में रखें, लेकिन मैच इस वक्त कंट्रोल मुझे लगता है कि चेन्नई के पास है, जो फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, और केरला के केरला स्ट्राइकर में बेनी ने अच्छे शॉट्स लगाए हैं और 23 गेंदों में 35 रन किए हैं, और उनका साथ दे रहे हैं श्लेबा, 15 रन 14 बॉलों में। हालांकि पहले 4 बल्लेबाज कुछ खास असर नहीं कर पाए, बट बेनी आकर इस मैच का थोड़ा सा नक्शा बदल दिया है। केरला स्ट्राइकर का स्कोर लेके गए 92 पर, 5 ओवर बाकी। भरत और विक्रांत ने शुरुआत की थी चेन्नई राइनोस के लिए, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, और अब आए शाम। काफी ठंडा दिखाई दे रहा है केरला स्ट्राइकर्स का कैंप, हालांकि उन्होंने लास्ट 5 ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है और थोड़ा सा कंट्रोल वापस लाए हैं। चौके छक्के लगाने पड़ेंगे सर, चौके छक्के तो लगाने पड़ेंगे ना, 5 ओवर बाकी हैं और उसमें 61 रन करेंगे तो 150 के आसपास पहुंचेंगे तो ये गेम बन सकती है। आपको CCL के स्कोर और ट्रिविया एक्सक्लूसिव MTS यूजर्स डायल कर सकते हैं 5-2-0-2-0 पर, और उसी नंबर पर अगर आप डायल करें तो हम आप टिकट्स CCL के मैच के और एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। अच्छा शॉट लेकिन सीधे फील्डर के पास, फिर से अच्छी थ्रो। चेन्नई के फील्डर्स बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, उनकी थ्रोइंग भी अच्छी है, और उसी की वजह से बैट्समैन पे भी प्रेशर बनाए रख रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि उनकी फील्डिंग काफ़ी बेहतरीन रही है इस सारे मैच में, जो अटेम्प्ट्स किए लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे और जो कैचेस लपके हैं उन्होंने, इवन हाई कैचेस। याद है एक कैच कवर्स में जो विशाल ने लिया था, वो एक बेहतरीन कैच था, और एक कैच जो उनसे छूटा था, जो लॉन्ग ऑन पे लॉन्ग ऑफ पे छूटा था, वो भी बहुत अच्छा कोशिश के बाद उनके हाथ से निकल गया। बहुत अच्छे से लपके थे कैच के लिए, लेकिन जब गिरे तो बॉल हाथ से निकल गया। एक अच्छा एफर्ट था उस कैच पकड़ने का, लेकिन उसके बावजूद भी ना फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, और फील्डिंग से ही प्रेशर बन सकता है। 2020 में जो फील्डिंग अच्छी करेंगे, 2-1 डॉट बॉल जाते हैं तो बैट्समैन पे प्रेशर आता है, रोग गलत शॉट खेलने पे मजबूर होता है। मेरे ख्याल से चेन्नई राइनोस की टीम ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक करारा शॉट कवर्स की तरफ और एक और चौका, इस चौके से केरला स्ट्राइकर्स जाते हैं 1 रन दूर 100 रन की औसत से। ब्यूटीफुल शॉट और एक अच्छा अटेम्प्ट भी किया था कवर्स पे, पर हालांकि काफी दूर था और काफी पावर थी वो शॉट में। अच्छा जोर से शॉट खेला था, पावर के साथ खेला था, कवर्स के फील्डर ने काफी कोशिश की बॉल रुकाने की, लेकिन बहुत तेजी से बाहर बाउंड्री के बाहर चले गया। अच्छा शॉट। हम बात कर रहे थे चेन्नई राइनोस की फील्डिंग की, मुझे यहाँ लगता है कि वो काफी फिट टीम भी है, काफी फिट लग रहे, और इसी के कारण उनका नतीजा है कि वो एक अच्छी फील्डिंग साइड भी। डेफिनेटली ना, अच्छे फिटनेस बहुत ज़रूरी है हर किसी भी गेम खेलने के लिए, स्पोर्ट खेलने के लिए, और चेन्नई की राइनो के फिटनेस लेवल अच्छा है, पूरी टीम के प्लेयर्स का फिटनेस लेवल अच्छा है, इसलिए उनकी फील्डिंग में वो नज़र आता है। खास करके ये फॉर्मेट में, 2020 फॉर्मेट में आपकी फील्डिंग और फिटनेस लेवल काफी हाई रहनी चाहिए। एक और करारा शॉट उसी दिशा में कवर्स की तरफ, बेहतरीन शॉट, शॉट के वजह से
केरला स्ट्राइकर का स्कोर जाता है 104/4 विकेट। शॉट गेंद, ये देखिए मजबूती से खेला और काफी पावर थी इस शॉट में। पिछली ओवर 12 रन आए थे और एक अच्छा ओवर साबित हुआ था केरला स्ट्राइकर्स को। उदय कुमार राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग फ्रॉम पार्ले जीएन, जो एंड है हम कमेंट्री बॉक्स में बैठे वो एंड पार्ले जी एंड है। इनकी साझेदारी काफी बेहतरीन साबित हो रही है केरला स्ट्राइकर्स के लिए। पिछले ओवर में 12 रन आए हैं, देखते हैं इस ओवर में कितने आते हैं। फ्लिक कर दिया है स्क्वायर की तरफ एक रन के लिए। बेनी ने आके काफी बेहतरीन बारी के लिए 40 रन पे नॉट आउट है। यू कैन वॉच ऑल द एक्शन ऑन www.youtube.com/ccl। Please go on that website and see all the action if you want to have a look at it. एक important phase आ रहा है मैच में, चार ओवर बाकी है और यहाँ पर अगर जो टीम momentum लेती है वो मैच में अपर हैंड होगा उनका। बेहतरीन शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी गेंद आगे थी और बड़ी जोर से कवर्स के ऊपर से मार दिया बेनी ने। खास बात थी ये शॉट में, काफी आसानी से खेल लिया, काफी आसानी से उन्होंने कवर्स के ऊपर से खेल लिया। हालांकि आसान शॉट है नहीं है, एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट शॉट है, बट काफी आसानी से खेल लिया। और बेनी और स्लेबा अब बारी को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये एक और छक्का, काफी दूर तक गया ये शॉट, अपने बल्ले का और पावर का सही इस्तेमाल करते हुए बेनी का 50 रन पूरा। ये गेंद स्टंप में डाली और उन्होंने बहुत बेहतरीन छक्का मिड विकेट के ऊपर से मार दिया और अपने 50 रन पूरे किए और सिर्फ 28 बॉलों में। बहुत बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं और केरला स्ट्राइकर को ये फिर से गेम में ले आए हैं। अब ये है असली स्ट्राइकर केरला स्ट्राइकर्स के, बेनी, जो अपने 50 रन पूरे कर चुके हैं सिर्फ 28 बॉल पे, 3 छक्के 3 चौके लगाए हैं। तकरीबन 180 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने ये केरला स्ट्राइकर्स की इनिंग्स को एक इम्पेटस दे दिया। अच्छी पोजीशन में अब लग रहे हैं, अगर ये इस तरह से और ये 20 ओवर खेल जाएं तो 150 रन बनने इनके रेंज में है। और ये वाइड बॉल, बॉलर पे प्रेशर बना दिया है दो बड़े शॉटों ने और जिसका नतीजा है कि बॉलर ऑफ स्टंप के बाहर डालने शुरू कर दिए और ये वाइड डाल दिया है। चेन्नई राइनोस थोड़े से प्रेशर में आते हुए, बहुत कम बार उनको प्रेशर में डाला गया है ये सीसीएल 2014 में, बट अब की बार केरला स्ट्राइकर्स लास्ट
तीन चार ओवर्स में काफी प्रेशर डाल दिया है उन पे। मुझे लगा कि बैट को लग के गया है बॉल, विकेट कीपर के कंधे पे लगा, पर मैं कहूंगा एक ब्रेव मूव है कि विकेट कीपर आगे खड़ा खड़े हुए हैं यहाँ पर। विकेट कीपर से लग के गया, बल्ले को लग के गया और विकेट कीपर के शोल्डर पे लगा। इतना आसान नहीं है उसको कैच करना, ये कहा जा सकता है कि विकेट कीपर ने चार रन बचा लिए, हालांकि शोल्डर में दर्द होगी उनकी, लेकिन वो दर्द चार रन बचाने की है। बिल्कुल सही बात, पर जैसे कि मैंने कहा है कि ये ब्रेव मूव है, ये दिस इज अ ब्रेव मूव के विकेट कीपर ऊपर खड़ा है, और ऐसे भी हो सकता है कि कैच भी मिस हो सकता है। बट ये देख रहे हैं आप बेनी की 50 रन की बारी, आते ही उसने चौके और छक्के की बरसात की, और दिस वाज अ शॉट ऑफ द डे। कवर्स के ऊपर से, कवर्स में और ये मिड विकेट के ऊपर से बहुत बढ़िया शॉट, और वो शॉट उनको 50 रन की ओर लेके गया। वेल प्लेड बेनी। दैट शोज कि ग्राउंड के हर जगह पे वो खेले हैं, सारे जगह पे उन्होंने रन कर दिया, दोनों तरफ उनके रन हैं। 25 रन उनके लेग साइड पे हैं और 25 ही रन ऑफ साइड में भी किए हैं, तो दोनों तरफ बराबर के रन्स हुए हैं उनके, और शॉट्स भी दोनों तरफ लगाए उन्होंने अच्छे और बेहतरीन शॉट्स लगाए हैं। ये 2020 जो फॉर्मेट है उसमें आपको बड़ी गेम खेलनी से बहुत ज़रूरी है, जो चौके और छक्के मार सकते हैं वो मैच का पहलू बदल सकते हैं, वही प्लेयर्स होते हैं जो मैच को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं 17 ओवर की समाप्ति पर 116 पे चार। With me, the very dashing Rajiv Pillai, the captain of the Kerala Strikers. It is noisy, it is loud. How are you feeling? Well, that is the specialty of Kerala. Whenever you come here, you get the jam-packed stadium over here. Around 70, I guess 50,000 has come, and they just keep on supporting us whatever we do. This is amazing. Of course, it's amazing because it pushes you to go harder, to work harder, to play harder. So how is the spirit right now amongst everybody in the team? The spirits are pretty high, in fact. We started practicing long back. We started practicing as a team, I guess, for 15-20 days, but then individual practice was going on. So the spirits are pretty high and guys are pretty charged up. When you have this kind of crowd, obviously you felt like playing well. Of course, and I think there's another high of when you're playing in your own home ground. How do we feel like playing in our own home ground? It's always amazing. It's a privilege to be a part of this. In fact, all the legends are playing in this ground, and we have two 5-wicket hauls of Sachin Tendulkar, sir, the great Sachin Ramesh Tendulkar, in the same stadium. So it's a privilege to be a part of the team who is playing in this ground, in fact. What advice do you give to your teammates? What do you tell them before you're going to go and play the match? No, I'm not that good enough to advise my teammates. They are better players than me. So I just say, go enjoy themselves. That's it. Well, I think that is the winning spirit. Have fun, and I hope that the best team wins. And well, with all this cheering and support, I'm sure you guys will be in top shape and the results will be great. Thank you so much. Well, now it's back to you. और बड़ा शॉट, और ये लगा एक और छक्का। केरला स्ट्राइकर्स आर स्ट्राइकिंग बिग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इनिंग्स।
124 पे चार और बेहतरीन शॉट था, थोड़ी सी विट आउटसाइड ऑफ स्टंप, उसका पूरे पूर फायदा उठाते हुए। पॉइंट के ऊपर से सिक्स मार दिया उन्होंने, थोड़ा सा स्लाइस कर दिया बॉल को, थोड़ी सी सहवाग वाली शॉट थी जी, बिल्कुल। बहुत 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 बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, काफी जाने जाते हैं सहवाग पॉइंट के ऊपर से छक्का मारने के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, एक अच्छा स्कोर खड़ा कर रहे हैं केरला स्ट्राइकर्स को। There's an appeal by the wicket keeper. बिल्कुल मिस किया बॉल विकेट कीपर ने, सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि वाइड बॉल ना दिया जाए, उसलिए अपील की। टॉप एज और ये एक और बाउंड्री, और एक बाउंड्री। ना रन कैसे भी आए, स्कोर बुक में ये नहीं आता कि टॉप एज लगी है और विकेट कीपर के ऊपर से गया है, स्कोर बुक में यही आता है कि चार लिखे जाएंगे और संतोष के खाते में। इस फॉर्मेट में रन कैसे भी आए वो लेने चाहिए। और इस बार एक टॉप एज लगी और कीपर के ऊपर से चली गई, बट केरला स्ट्राइकर्स दैट्स वेरी वेल बोल्ड। मिस कर गए बॉल आगे थी जॉर्कर लेंथ। 18 ओवर 129 रन 4 विकेट। हालांकि पहले चार बल्लेबाज कोई खास असर नहीं कर पाए केरला स्ट्राइकर्स के लिए, बट जो पेनी और स्लेवा ने करके दिखाया है यहाँ पर, इसके वजह से वो 129 पर चार पाए जा रहे हैं। पेनी स्टिल बैटिंग कर रहे हैं 57 रन पर और स्लेवा 27, उनकी पार्टनरशिप हो गई है 67 रन की, सिर्फ 43 बॉल्स में वो पार्टनरशिप आई है, इसीलिए केरला स्ट्राइकर्स 129 पर चार है अभी। इन दोनों की पार्टनरशिप ने केरला स्ट्राइकर को एक अच्छी मुकाम पे ला रखा है और दो और बाकी हैं, अगर दो और अच्छे निकाल देंगे तो मुझे यकीन है कि ये 150 तक पहुंच सकते हैं और वहां से ये गेम अच्छी बनती है जहां पे केरला स्ट्राइकर ये मैच जीत सकते हैं अगर अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग करेंगे जिस तरह चेन्नई ने की। काफ़ी रोमांचकारक मैच चल रहा है यहाँ पर कोची में और CCL 2014 में। आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। लो फुल टॉस था, मिस कर गए, पर लेग बाय है लगता है। एक रन मिला 130 चार ओवर चार विकेटों पे। अभी फॉर्म में आया है केरला स्ट्राइकर्स का कैंप, थोड़ी खुशी दिखाई दे रही है फेस पर और थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हो गया है यहाँ पर। अपील की बॉलर ने और नकार दिया अंपायर ने। मुझे लगता है कि किस्मत वाले थे, शायद बहुत क्लोज डिसीजन होगा पर नॉट आउट दिया अंपायर। वेल दे वांट टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ द अंपायर। बॉल
We'll have to wait and watch. इसमें क्या होता है? Third umpire decision लेंगे. The field umpire ने नकार दिया था. और चेन्नई राइनोज डेस्परेट है एक विकेट के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये पार्टनरशिप काफी अहम भूमिका निभा रही है केरला स्ट्राइकर्स. एंड नो बॉल इज नॉट द क्वेश्चन, लेट्स मूव अहेड. मेरे हिसाब से गोइंग डाउन द लेग साइड. जिस एंगल से जा रहा है मुझे भी लगता है कि शायद लेग स्टंप मिस कर जाए, लेकिन ये देखना है कि थर्ड अंपायर क्या डिसीजन देते हैं. काफी बाहर निकले थे स्टंप के और शायद उसकी वजह से बच जाएं, क्योंकि उस एंगल से बॉल मुझे लगता है काफी पीछे जाना है और भी, और शायद लेग स्टंप मिस हो जाए. और एक बड़ा शोर होने वाला है ये स्टेडियम में, क्योंकि देखना ये है कि थर्ड अंपायर क्या देते हैं. इट्स डिक्लेयर्ड नॉट आउट. अच्छा डिसीजन, क्योंकि वो स्टेप आउट होकर उन्होंने मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है वो बच गए. अगर वो क्रीज में से मारते तो शायद आउट दिए जा सकते थे. क्रीज में से मारते तो शायद बल्ले में भी लगती बॉल. वो भी हो सकता है. और बड़ा शॉट खेलने की प्रयास उनका, बट रेयर मिस हो गई है बॉल उनके. और 130 ऑलरेडी हो गए और डेढ़ ओवर बाकी है, दो गेंदे बाकी. देखना यह है कि केरला स्ट्राइकर्स कितने पे खत्म होती है. अच्छा शॉट था लेकिन सीधे शॉट फाइन के हाथ में गया और एक रन मिला. लेग स्टंप के बाहर गेंद थी. यू कैन वॉच ऑल द एक्शन ऑन youtube.com/CCL. जरूर जाना इस वेबसाइट पे और फॉलो करना गोवा निकोफिक CCL, पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक. ब्रिलियंट स्पेक्टेकुलर स्टेडियम, इलेक्ट्रीफाइंग आउट हियर इन द मिडल बिकॉज केरला स्ट्राइकर्स द होम ग्राउंड फॉर देम. दे कम इन नंबर्स टू वॉच देयर स्टार्स प्ले क्रिकेट. दोनों टीमों के चेहरे पे खुशी नजर आती है और 19 ओवर में 133 रन 4 विकेट खोकर केरला स्ट्राइकर का स्कोर. Nikofix CCL season 4 powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. The CCL exclusive radio partner, India's number one radio station, 92.7 Big FM. Suno sunao, life banao. Kerala Strikers at the moment 133 par 4. Penny batting kar rahe hain behtareen 58 run ki ausat se aur Sleba batting kar rahe hain 29 run. और ये ऊपर गई गेंद, कोशिश की, बहुत बेहतरीन कोशिश की लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए चेन्नई के फील्डर और दो रन मिल गए. एक रेयर मिस चेन्नई की फील्डर के. मुश्किल कैच था लेकिन कोशिश बहुत
बहुत अच्छी थी, काफ़ी मुश्किल कैच, एक टॉप एज लगा और ये देखिए इट्स बहुत मुश्किल होती है जो शोल्डर के ऊपर से पीछे जाती है वो काफ़ी मुश्किल कैच होता है, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश की थी और ये कवर्स की तरफ खेला एक रन के लिए स्लेबा ने। बहुत डिफिकल्ट चांस बट एफर्ट को मानना पड़ेगा चेन्नई राइनोस के तरफ से क्योंकि बहुत बेहतरीन फील्डिंग की है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ऊंचा उठा दिया है, देखना यह है कि फील्डर लपक पाते हैं कि नहीं। और ये ड्रॉप के कमेंटेटर्स कर्स इसको कहते हैं, अभी हम प्रशंसा कर रहे थे उनकी फील्डिंग की और विष्णु ने एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया है, उनके हाथ से गेंद निकली, वो फिर पकड़ने की कोशिश की, फिर पकड़ने की कोशिश की, मिस हो गई, दूसरे फील्डर दोनों के हाथ से मिस हो गई। ओ, एक रन आउट हो सकता है और आसान सा रन आउट, फिर स्लेबा चाहते थे स्ट्राइकिंग एंड पर वापस आने और एक आसान सा रन आउट हो गया। बेनी ने मिस किया बॉल, स्लेबा पहले दौड़ चुके थे और विकेटकीपर ने बहुत समझबूदी से बॉल बॉलर के हाथ में दे दिया और बॉलर ने आराम से जाके बेल्स गिरा दी 138 पे 5। फिर से उछाल दिया बॉल हवा में और ये बाहर 6, बेहतरीन शॉट बेनी का जो अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और ना जो उनका लक्ष्य है उसकी तरफ बेनी अपनी टीम को ले जा रहे हैं। और काफी बेहतरीन शॉट गई, काफी ऊंची गई थी, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कोशिश की मगर 10 मीटर अंदर। ट्रेमेंडस शॉट बाय बेनी, ही हैज गिवन दिस केरला स्ट्राइकर्स इनिंग्स अ रियल इंपेटस व्हाट दे नीडेड। लास्ट बॉल ऑफ द मैच, अनदर गुड स्ट्राइक, दिस इज ओवर कवर्स, बेहतरीन शॉट और क्या फिनिश की है, दो गेंदों में दो छक्के लगाकर बेनी ने उसकी टीम को एक अच्छा मोमेंटम दे दिया है और क्या स्ट्राइक है, देखो ग्रांट ने बॉल की लेंथ बॉल और इस दफा कवर्स के ऊपर से मार दी, बहुत बेहतरीन, थोड़ा सा रूम था, बॉल ऊपर थी और बहुत बेहतरीन शॉट खेला और बहुत जोर से मारा, पावर के साथ मारा और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखिए काफ़ी खुश है राजीव पिल्ले, उनको हक कर रहे हैं और ये कहता है कि उनको एक मोमेंटम मिल गया है, डेफिनेटली एक मोमेंटम मिल गया है। 150 रन 5 विकेटों पे उन्होंने 20 ओवरों में कर लिए हैं। बेनी वॉज आउटस्टैंडिंग, नॉट आउट ऑन 72 ऑफ जस्ट 39 डिलीवरीज, उनको